हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाद्रपद अष्टमी को, और इसी दिन हर साल इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से सारे जगह पर मनाया जाता है। आई एम श्योर आपकी जगह पर भी मना रहे होंगे। सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं, भगवान कृष्ण जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, व्रत लेते हैं और मटकी भी फोड़ी जाती हैं, और कृष्ण जी का फेवरेट माखन भी उनको खिलाया जाता है। तो आपके यहाँ कैसे कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। तो उसी उपलक्ष्य में मुझे एक कविता मिली थी कविता संग्रहालय में, जो इंटरनेट पर मुझे मिला था। तो उसमें जो कृष्ण जी का जन्म है उसका वृत्तांत बताया गया है, छोटी सी कविता है और उसमें ही पूरा उनका जो जन्म का पूरा उसमें वृत्तांत बताने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको भी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर कविता। रात अधियारी कारी, जन्मे जब कृष्ण मुरारी, खुल गई तब बेड़ियाँ सारी, जब जन्म लिए बनवारी, धन्य हुए वसुदेव देव की, खुशियाँ जीवन में पधारी, कंस के अंत की तब तो हो गई पूरी तैयारी, खुल गए सब ताले झट से, सो गए दरबान भी सारे, खाना को लेकर फिर वसुदेव को कुल को पधारें, चाई घन घोर हटाएं, आफत सी बरसती जाए, यमुना का जल भी देखो हर पल बढ़ता ही जाए, वसुदेव सब देख रहे थे फिर भी हिम्मत न हारे, कृष्णा को लेकर वो फिर झट से बढ़ गए थे आगे, आगे वसुदेव जी चलते कान्हा को सिर पे थामे, पीछे थे शेषनाग जी वो भी कान्हा को ढाके, गोकुल में जब वो आए सबको सोते हुए पाए, यशोदा की उठा के बेटी कृष्णा को वहाँ लिटाए, वापस आ गए फिर मथुरा हाथों में बेड़ियाँ आई, दरबान जागे फिर सारे सूचना कंस को पहुँचाई, जैसे वो मारने आया देवी ने रचती माया, गोकुल वो पहुँच चुका है तुझको जो मारने आया, गोकुल में फैली खुशियाँ सबने फिर है जश्न मचाया, जग का उद्धार करने कृष्णा इस जग में है आया, प्रभु के दर्शन करने को आए फिर नर और नारी, सबका है अंत आया जितने भी हैं अत्याचारी, रात अंधियारी कारी, जन्मे जब कृष्ण मुरारी, खुल गई तब बेड़ियाँ सारी, जब जन्म लिए बनवारी। तो आपको कैसी लगी कृष्ण जन्माष्टमी पर ये कविता? मुझे आशा है कि आपको भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगी होगी, कैसे इस छोटी सी कविता में पूरा कृष्ण का जन्म का वृत्तांत बताया गया है। तो आज जन्माष्टमी है, आप इस कविता को सुने और दूसरों को भी सुनाइएगा, और अपना जैसे आप मनाएंगे आज अपना जन्माष्टमी का उत्सव ज़रूर बताइएगा। हमारे पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है, सबके थोड़े से डिफरेंट कल्चर के हिसाब से थोड़े से इनके डिफरेंट तरीके होते हैं, बट मनाते मैक्सिमम सारे हैं ये। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही एक छोटी सी कविता थी, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। Thank you so much for watching my video, friends. Take care.